Hello, everybody, welcome to my channel and myself Akshita. Today, we are going to start the morphology of flowering plants, which is one of the most easiest chapters. From here, at least 5 to 6 questions are fixed, which are very easy to crack. So, let's start with full josh. morphology ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स so बिफोर स्टार्ट लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म morphology morphology मतलब क्या होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल फॉर्म और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग। अगर हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में तो मॉर्फोलॉजी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट जो हमें दिखाई देते हैं आंखों से जैसे कि फ्रूट्स रूट स्टेम्स लीव फ्लावर्स तो यह सारी चीज़ें हमें दिखाई देते हैं इसलिए हमने क्या बोला हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स अगर हम बात करें टर्म एनाटॉमी की दैट इज द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तो प्लांट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है जैसे जाइलम फाइलम तो ये सारी चीज़ों का अगर हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं एनाटॉमी फॉर एग्जांपल एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है ब्लड वैसल सेल्स ऑर्गन्स तो उसकी हम अगर स्टडी करते हैं उसे हम बोलेंगे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी या एनाटॉमी ऑफ एनीथिंग अंदर की चीज़ें जिसे हम देख नहीं सकते और अगर हम उसकी स्टडी करते जो चीज़ें हम देख सकते हैं जैसे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसे हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी ओके so starting with the topic root which is divided into three parts tap root system fibrous root system and adventitious root tap root system it is in dicotyledonous plant द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट अब जैसे कि हमें पता है कि रूट कहाँ से अराइज होती है रेडिकल से अराइज होती है एंड देट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट जो रेडिकल से रूट अराइज होती है हम उसे बोलते हैं प्राइमरी रूट एंड द लेटरल सेकेंडरी और टर्शरी रूट और प्राइमरी रूट के ऊपर कुछ लेटरल रूट्स निकलती है जिसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स एंड दिस इज नोन एज दूट सिस्टम वंस अगेन टैप रूट सिस्टम डायकोडिलेडस प्लांट के अंदर पाया जाता है जो कि डायरेक्ट एलोंगेशन होता है रूट का रेडिकल से जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी रूट एंड प्राइमरी रूट के ऊपर कुछ लेटरल रूट्स निकलती है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स एंड द एग्जाम्पल इज मस्टर्ड प्लांट देन सेकेंड इज फाइब्रस रूट सिस्टम स हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट सेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम अब जो रूट से ये रिप्लेस हो रही है जो प्राइमरी रूट शॉर्ट लिवड है जो रिप्लेस हो रही है लार्ज नंबर ऑफ रूट से तो वो लार्ज नंबर ऑफ रूट कहाँ से आ रहे हैं दैट इज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम वो वहां से ओरिजिनेट हो रहे दे आर नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रेडिकल ठीक है दे आर ओरिजिनेटिंग फ्राम द बेस ऑफ द स्टेम एंड द एग्जाम्पल इज व्हीट प्लांट तो फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है जो कि पाया जाता है मोनोकोटिलडीनिस प्लांट के अंदर जिसके अंदर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है विच इज रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स और वो लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड द एग्जांपल इज व्हीट प्लांट एंड द लास्ट वन इज एडवेंटिशियस रूट्स अब एडवेंटिशियस रूट्स को हम ऐसे याद रख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही एडवांस है अब जैसे कि हमें पता है कि root कह रूट कहाँ से अराइज़ होते हैं रेडिकल से अराइज होते हैं लेकिन एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर रूट अराइज़ फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल मतलब कि रेडिकल के अलावा भी दो दूसरे पार्ट से अराइज हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स और उसके एग्जाम्पल है ग्रास मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री लेट्स डिस्कस द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है रूट सबसे पहला एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल दैट इज द एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल दूसरा प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू प्लांट ये प्रॉपर एनकरेज एक प्रॉपर सपोर्ट देता है प्लांट सो दे आर प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट सपोर्ट ठीक है देन तीसरा है स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल तो ये स्टोर करने का भी काम करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल को और चौथा सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये सिंथेसिस करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को तो दीज आर दी फोर मेन फंक्शन विच आर परफॉर्म बाय रूट सिस्टम क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉयल दूसरा प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू प्लांट तीसरा स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड चौथा सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स देन लेट्स स्टडी द रीजन्स ऑफ रूट देर आर फोर रीजन्स ऑफ रूट रूट कैप रीजन ऑफ मैरिस्टमैटिक एक्टिविटी रीजन ऑफ लॉन्गेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन रूट कैप एज यू कैन सी इन द डायग्राम इट इज अ थिंबल लाइक स्ट्रक्चर ठीक हैप कैसा है थिंबल लाइक स्ट्रक्चर है देन जस्ट अबाउ द रूट कैप देर इज अ रीजन कॉल्ड एज रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी इन दिस रीजन एज यू कैन सी इन द डायग्राम यहां पर सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड दे आर थिन वर्ड विद अ डेंस प्रोटोप्लाजम सो दीज सेल्स आर थी वर्ड एंड दे आर कंटेनिंग डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड दे डिवाइड ओके रिपीटेडलीके रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी के सेल्स आर वेरी स्मॉल थिन अ डेंस प्रोटोप्लाजम एंड दे डिवाइड रिपीटेडलीन जस्ट अबाउट दिस देर इज अ रीजन कॉल्ड एज रीजन ऑफ अलोंगेशन एंड दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट दिस अलोंगेशन अलोंगेशन मतलब क्या होगा ग्रोथ होगा ठीक है ग्रोथ इन लेंथ दैट इज नोन एज द इलांगेशन सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सेल्स डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर इन दिस रीजन सेल डिफरेंशिएट होते हैं एंड मैच्योर होते हैं एंड दिस सेल्स अंडर गो रेपिड इलोंगेशन हर सेल रैपिड इलोंगेशन में जाता है मतलब हर सेल इज रिस्पॉन्सिबल एवरी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट एंड दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ एंड दिस रीजन इज नोन एज रीजन ऑफ इलागेशन ठीक है सो दिस सेल्स अंडर गो डिफरेंसिएशन एंड द मैच्योर Cells undergo rapid elongation, and they are responsible for the growth of root in length. And the last region is region of maturation. Yaha par in this region of maturation, there is a cell that is the epidermal cell form very fine thread-like structure called as root hairs. So, here epidermal cell. ये एक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं रूट हेयर एंड दिस रूट हेयर एबजॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द साइल और ये रूट हेयर का काम क्या है दे आर फंक्शन इज टू एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द दॉयल तो मेनली देर आर फोर रीजन दैट आर रूट कैप रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी रीजन ऑफ अलॉन्गेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन ठीक है

रेस्पिरेशन अदर देन एब्जॉर््पन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मतलब वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के अलावा भी ये कुछ फंक्शन और भी परफॉर्म करे इसीलिए अपने शेप और स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करती है लेट्स स्टडी वन बाय वन फूड स्टोरेज अ फूड स्टोरेज इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट दैट इज टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट ये दोनों भी फूड स्टोर करते हैं टैप रूट के एग्जाम्पल है कैरोटन टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल है स्वीट पटेटो ठीक है टैप रूट का एग्जाम्पल इज कैरोटन टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है स्वीट पटेटो प्लीज़ रिमेंबर द एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक तो है देन सेकेंड इज सपोर्ट तो सपोर्ट दो टाइप के हैं यहाँ पर प्रॉप रूट एंड स्टिल ट्रूट वॉट इज़ प्रॉप रूट सबसे पहले ये समझते हैं आपने बनियान ट्री के अंदर देखा होगा जो ब्रांचेस से रूट निकल कर आती है उसे प्रॉप रूट बोलते हैं एंड दीज प्रॉप रूट्स आर फॉर सपोर्ट ताकि वो उस बनियान ट्री को प्रॉपर सपोर्ट दे सके इन फ्यूचर जब ये रूट्स ग्राउंड से टच होती है तब ये सॉइल के अंदर घुस कर प्रॉपर स्ट्रेंथ और एनकरेज मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करती है बनियान ट्री को एंड दीज रूट्स आर नोन एज प्रॉप रूट देन सेकेंड आता है स्टिल रूट्स स्टिल रूट आर दी सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ द स्टेम मतलब स्टेम जो है स्टेम का जो सबसे लोअर नोड रहेगा रूट्स वहाँ से अराइज होती है फॉर द सपोर्ट फॉर द एनकरेज एंड एंड द एग्जाम्पल्स आर स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर कैन सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टिल रूट्स जो कि लोअर नोड से अराइज होते हैं ठीक है सो डायग्राम so, में आपको और क्लियरली समझा दो जो लोअर नोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिस इज द लोअर नोड और यहाँ से रूट्स अराइज होते हैं ताकि वो प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और उसके एग्जाम्पल क्या है मेज एंड शुगर कैन एंड द लास्ट वन इज़ फॉर रेस्पिरेशन दीज रूट्स कम आउट एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड एज यू कैन सी इन द डायग्राम ये कैसे रूट ग्राउंड से ऊपर की तरफ आते बाहर की तरफ आते फॉर रेस्पिरेशन जनरली दीज रूट्स ग्रो इन स्वैम्पी एरियाज इनका काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम दी सराउंडिंग एन्वायरमेंट फॉर रेस्पिरेशन एंड द एग्जाम्पल इज़ न्यूमेटोफोर्स

रूट्स अराइज होते हैं वैसे ही प्लीम्यूल से क्या अराइज होते हैं स्टेम अराइज होते हैं ठीक है एंड द फंक्शन ऑफ स्टेम्स आर स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स तो ये क्या काम करता है कि ये ब्रांचेस अराइज करता है स्प्रेड करता है फ्रॉम द स्टेम जो कि बाहर निकलते हैं स्टेम से एंड दो ब्रांचेस कंटेन्स लीव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इसके अलावा भी स्टेम क्या काम करता है ये कंडक्ट करता है वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस का काम ये करता है ठीक है तो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ़ स्टेप ये स्प्रेड आउट करते हैं ब्रांचेस को जो कंटेन करते हैं लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स और दूसरा ये कंडक्ट करते हैं वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस देन आफ्टर दैट देर इज अ मोडिफिकेशन ऑफ स्टेम अब स्टेम जो है वो क्या किस किस फॉर्म में मोडिफाई हुआ है दे मोडिफाइड टू स्टोर फूड सपोर्ट प्रोटेक्ट एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के फॉर्म में ये मोडिफाई हुआ है लेट्स डिस्कस वन बाय वन फर्स्ट फूड स्टोरेज दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम तो उसके एग्जाम्पल्स क्या है पोटैटो जिंजर टर्मरिक जमीन खंद एंड कोलोकैसियाम दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फूड मटीरियल विच आर स्टोर इन अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट आर पोटैटो जिंजर टर्मरिक जमीन खंद एंड कोलोकैसिया देन सेकेंड इज स्टेम टेंड्रिल्स दीज स्टेम टेंड्रिल्स हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब ये स्टेम टैंडल्स हेल्प करते हैं प्लांट को ताकि वो क्लाइम कर सके और उसके एग्जाम्पल्स है गोड्ड्स गोड्स के अंदर क्या आता है कुकुंबर पमकिनस एंड वाटर तो ये कुकुम्बर पम्पकिस एंड वाटर ये क्लाइम करके ही ग्रो होते हैं ठीक है ये स्टेम इनके लाइक वुड वुडी नहीं होते ये ये climbing trees है ये क्लाइंबिंग ट्रीज़ so है ठीक है सो उसके एग्जाम्पल से गॉर्ड्स गोड्स के अंदर आएगा कुकुंबर पम्पकिन एंड वाटर एंड ग्रेप प्वाइन ग्रेप प्वाइन में भी ये क्लाइंबिंग ट्री है इनका कोई स्टेम प्रॉपर है नहीं जो असेंडिंग फॉर्म में खड़ा रहे है। ठीक है एंड थर्ड इज़ थॉर्न्स थॉर्न्स मतलब कांटे जो कि प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो पेड़ पौधे खाते हैं उनसे बचने के लिए कुछ प्लांट्स थॉर्न्स अराइज करती है एज अ स्टेम ताकि वहाँ पर एनिमल्स आकर खाए नहीं ऑब्वियसली कांटे रहेंगे तो एनिमल्स खा नहीं पाएंगे तो इसीलिए लिए दीज थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स एंड द एग्जाम्पल्स आर साइट्रस एंड बाउगेन वेलिया ठीक है साइट्रस एंड बाउगेन वेलिया दिज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थॉन्स एंड फोर्थ इज फाइलोक्लैड दैट इज दे परफॉर्म फोटो सिंथेसिस एंड द एग्जाम्पल्स आर ऑफ्युनशिया दैट इज फ्लैट एंड यूफॉर्बिया विच आर सिलेंड्रिकल ठीक है तो ये फाइलोक्लैड ये परफॉर्म करते फोटो सिंथेसिस दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटो सिंथेसिस एंड दे आर एग्जाम्पल्स आर ऑफ्यूनशिया विच आर फ्लैट एंड यूफॉर्बिया विच आर सिलेंड्रिकल एंड मिंट एंड जैसमिन मिंट और जैसमिन कैसे अराइज होते हैं दिज आर द ब्रांचेज ऑफ द मेन एक्सेस ठीक है दिज आर द ब्रांचेज अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सेस और जब मेन एक्सेस के ब्रांचेज टचेज द ग्राउंड एंड दे जस्ट गेट डिटेच फ्रॉम द पेरेंट ठीक है मतलब कि ये पेरेंट के ऊपर ही ग्रो होते हैं और ये ब्रांचेज जब ग्राउंड को सॉयल को टच होते हैं तब एक नया प्लांट अराइज होने लगता है और ये डिटेच हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट देन नेक्स्ट इज एक्वाटिक प्लांट विच आर ऑल्सो नोन एज ऑफसेट दिज हैव शॉर्ट इंटरनोट्स एंड नोट्स बियरिंग रोसेट लीव दोफ रूट्स एंड द एग्जाम्पल्स आर पिस्तिया एंड एकॉर्निया ठीक है ये एग्जाम्पल्स कह के ऑफसेट के हैं या फिर एक्वेटिक प्लांट के बोल सकते हैं जिसके इंटरनोट शॉर्ट है एंड नोट्स बियरिंग रॉसेट लीव एंड इनके रूट्स कैसे होते हैं टफ्ट होते हैं एग्जाम्पल्स आर पिस्तिया एंड एकॉर्निया एंड द लास्ट वन इज बनाना पाइन ऐप्पल एंड क्राइजन थेम इन दीज प्लांट्स ब्रांचेस अराइज फ्राम द बेसल पार्ट एंड द मेन स्टेम ग्रो अंडर द सॉयल यहां पर ब्रांचेस बेसल पार्ट से अराइज होते हैं और जो मेन स्टेम है वो अंडर द सॉइल है ग्राउंड के अंदर है ठीक है एंड कम्स आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइस टू अफी शूट ओके नाउट लेट्स अंडरस्टैंड नोट्स एंड इंटर नोट्स नोट्स वेर आर द लीव्स अराइज ठीक है जहाँ पर लीव्स ग्रो होती है दैट इज नोन एज नोट्स एंड द स्पेस बिटवीन एंड द पोर्शन बिटवीन टू नोट्स दैट इज़ नोन एज इंटर नोट एज यू कैन सी इन द डायग्राम जहाँ पर लीव्स अराइज हो रही है ग्रो हो रही है दिस इज कॉल्ड एज नोट्स एंड द स्पेस बिटवीन टू नोट्स आर कॉल्ड एज इंटर नोट्स दैन द नेक्स्ट इज लीव लीव परफॉर्म फोटोज इंथेसिस द फ्लैटर्न स्ट्रक्चर विच डेवलप्स एट नोट्स जो कि नोट्स के ऊपर डेवलप होता है और बाद में चल कर लैटर ऑन डेवलप इंटू अ ब्रांचेस लीव्स अराइज फ्राम शूट अ पाइकल मेरिस्टम्स एंड आर अरेन्ज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर लीव बेस मीन्स लीव्स आर अटैच टू द बेस एंड स्टेप्यूल्स मीन्स स्मॉल रिफ्लैक्स स्ट्रक्चर इन मोनोकोटिलेडन्स द लीव बेस एक्सपांड्स इन टू अ शीत कवरिंग अ स्टेम पार्शली और वोली लेग्यूमिनियस दट इज द लीव बेस में बिकम्स वोलन एग्जाम्पल इज़ पलमिनस पेटियोल पेटियोल क्या करता है होल्ड करता है ब्लेड टू लाइट मतलब जो लीव है लीव को होल्ड करके रखता है ताकि वो लाइट ले सके लैमिना और अ लीव ब्लेड लीव ब्लेड मीन्स सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम इट इज़ अ ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीव विथ वेन्स एंड विनलेट्स मिड रिब मिड रिब इज अडिल प्रोमिनंट वेन ठीक है

स्ट्रक्चर भी अलग अलग है उनके अरेंजमेंट भी अलग अलग है सो लेट्स डिस्कस दिस वेनेशन टू टाइप के होते हैं रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट्स मेनली डायकोट्स के अंदर पाया जाता है जिसके अंदर वेनलेट्स फॉर्म नेटवर्क यू कैन सी यहाँ पर वेनलेट्स कैसे फॉर्म हैं नेटवर्क फॉर्म कर रहे फ्रॉम द मिड रिब ब्रांचेस अराइज हो रही है और वहाँ से वेन्स और वेनलेट्स का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो रहा है एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायकोट्स ये मेनली डायकोट्स के अंदर पाया जाता है रेटिकुलेट ठीक है रेटिकुलेट के अंदर नेटवर्क अरेंजमेंट देन सेकेंड आता है पैरल पैरल फॉर्म में ऐसे कैसे इन द डायग्राम आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे पैरल फॉर्म में अरेंजमेंट डीजा मेनली फाउंड इन मोनोकॉट्स मोनोकॉट्स के अंदर ज्यादातर ऐसा पैरल वेनेशन वाला फॉर्म पाया जाता है वेन्स और वेनलेट्स का जिसके अंदर वेन्स रन पैरल टू ईच अदर दैन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लीवस एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ लीव सिम्पल एंड कंपाउंड इन सिम्पल इंसीशन डू नॉट टच द मिड रिप यहाँ पर ये मिड्रिप से टच नहीं होते एंड इन कंपाउंड वैन इंसीशन रीच अप टू द मिडरिप एंड ब्रेकिंग इट इंटू द लीफलेट्स मतलब ये मिड्रिप से जब टच होते हैं रीच होते हैं वहाँ पर यह ब्रेक हो जाते हैं इंटू द लीफलेट्स यहाँ पर ये कंपाउंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है दैट इज द पिनेटली एंड पाल मेटली पिनेटली के अंदर क्या होता है कि लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द रेचेस, फॉर एग्जाम्पल नीम डायग्राम देख के आपको समझ ही आ रहा होगा कि लिफलेट्स का अरेंजमेंट कैसा होता है ये दिज आर प्रेजेंट ऑन द रेचेस। एंड पारमेटली का अरेंजमेंट पाम की तरह होता है जहाँ पर लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द टिप ऑफ द पेट्योल जहाँ पर लिफलेट्स अटैच होते हैं टिप ऑफ द पेट्योल से और इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन ठीक है डायग्राम देख के आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा सब कुछ दैन नेक्स्ट इज फाइलो टैक्सी फाइलो टैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच लीव्स uh, का अरेंजमेंट स्टेम और ब्रांच के ऊपर उसे हम बोलते हैं फाइलो टैक्सी दिस फाइलो टैक्सी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स दैट इज अल्टरनेट अपोजिट एंड रोड लेट्स डिस्कस वन बाय वन अल्टरनेट अल्टरनेट मतलब उसके नाम से ही समझ में आ रहा है एक के बाद एक को छोड़ के एक के बाद एक एक के बाद एक ऐसे मतलब एक एक को छोड़ के ऐसे उसको बोलेंगे अल्टरनेट सिंगल लीव अराइज एट ईच नोड हर एक नोट पर देखो डायग्राम मैंने यहाँ पर रफ बनाया ताकि आपको एक अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ सिंगल लीफ अराइसेस एट ईच नोट हर एक नोट पर एक सिंगल लीफ अराइज होगा मतलब राइट right में एक देन लेफ्ट में एक राइट right में एक देन लेफ्ट में एक मतलब अगर हम सिर्फ राइट right को देखते हैं तो एक फिर छोट एक नोट छोड़कर दूसरा नोट फिर एक नोट छोड़कर दूसरा नोट इसे हम क्या बोलेंगे अल्टरनेट ठीक है एंड इसके एग्जाम्पल्स है चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर एग्जाम्पल्स आर चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर देन अपोजिट अपोजिट मतलब नाम से ही क्लियर है अ पेयर ऑफ लीव अराइज एट ईच नोड हर एक नोड पर एक पेयर ऑफ लीव अराइज होके ठीक है एग्जाम्पल इज के कैलोट्रॉफिस एंड गवा देन द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज वीडियो इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स अदर देन फोटो सिंथेसिस लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन लाइक मतलब फोटो के अलावा भी लीव्स कई और फंक्शंस भी परफॉर्म करती है जैसे टेंड्रिल टेंड्रिल इज फॉर क्लाइंबिंग एग्जाम्पल इसका पी तो पी प्लांट के अंदर उसके लीव्स क्लाइंबिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है ठीक है जैसे हम क्या बोलते हैं टेंड्रिल देन दूसरा है स्पाइन स्पाइन इज फॉर डिफेंस ठीक है एग्जाम्पल इसका कैक्टी कैक्टी के ऊपर आपने स्पाइन देखे होंगे कांटे देखे होंगे तो दीज आर फॉर डिफेंस देन नेक्स्ट इज फूड स्टोरेज तो ऑनियन एंड गार्लिक आदि द एग्जाम्पल फॉर द फूड स्टोरेज तो ये लीव से ऑनियन और गार्लिक क्या है लीव से जो कि फूड स्टोर करते हैं ठीक है देन आता है पेटिओल परफॉर्म्स फोटो सिंथेसिस तो यहाँ पे पेटियोल क्या है विच होल्ड द ब्लेड टू लाइट मतलब जो होल्ड करता है लीव ब्लेड को टू टेक द लाइट इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन एकेकिया ठीक है

पिक्चर प्लान टैन वेनज फ्लाई ट्रैप आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी न कमेंट सेक्शन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ठीक है और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब सेकेंड पार्ट विल बी सून तब तक के लिए स्टे सेफ एंड अच्छे से पढ़ो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू